So hello everyone, welcome to the new video. In this video, we are going to talk about Bihar State Examinations, जिसका answer sheet जो है answer अब निकल चुका है Bihar State Examinations, जिसका answer की release हो चुका है, answer जो है release हो चुका है. And बहुत सारे लोग doubt में होंगे answers को देखते हुए, क्या ये answer की 100% श्योर है, क्या इसमें आपको कुछ करेक्शंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, आपको अपील करना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ क्या होगा बिहार स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का, जैसे एससी हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी, एसटी भी यहाँ पर आ जाएगा, ओबीसी हो गया, जनरल का ये होगा कट ऑफ क्या होगा, जनरल का कट ऑफ क्या होगा, सारा जो आपको डिटेल मिलेगा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा. वीडियो को कंप्लीट देखना, जो वीडियो को जो है कंप्लीट देख लेना, अदरवाइज आपको कुछ अगर छोड़ते ना बोलते नहीं है कम इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो वो आपको हो सकता है. ठीक है, तो जिसने भी अभी तक आंसर की देख लिया, आंसर की देख लिया, तो जस्ट कमेंट कर दो कि कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये सारे चीज आप कमेंट कर सकते हो उस वीडियो में. ठीक है, जस्ट आप कमेंट करो और मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं बीपीएससी में अप्लाई करने के लिए. ऑलरेडी बिहार स्टेट पेपर वन का जो आंसर था वो पहले ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अब जो है बिहार स्टेट पेपर टू का आंसर भी रिलीज कर दिया गया है. तो जस्ट आप कमेंट करना है कि आपका इतना आंसर सही हुआ है. चलते बात करते कट ऑफ की तरफ, कट ऑफ क्या होगा इस बार, इस बार का कट ऑफ जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का क्या होने वाला है, मैं बता दूं. फर्स्ट में जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है तो उसका कट ऑफ क्या होगा, ओबीसी कैटेगरी है तो उसका कट ऑफ क्या होगा, एससी एसटी कैटेगरी है तो उसका कट ऑफ क्या होगा. ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कि टीचर बनना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर और बिहार गवर्नमेंट के अंडर में जो है काम करना चाहते हैं. तो मैं बता दूं इनका कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ठीक है, कट ऑफ जो है कि आंसर की रिलीज कर देने के बाद आप जाते हो आंसर की चेक करते हो एंड पता लगाते हो कि आप बीपीएससी के लिए क्या जाना चाहिए कि नहीं, बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना सही रहेगा तो नहीं. अगर आपके आंसर्स कट ऑफ के पार हो जाते हैं, आपके आंसर्स जो है कट ऑफ क्लियर कट ऑफ के पार सही होते हैं तो आप बीपीएससी तक तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, अदरवाइज आप वहीं पर जाते हो और फिर से स्टेट का एग्जाम स्टार्ट कर देते हो प्रिपरेशन करना नहीं है. तो मैं बता दूं कि सर कट ऑफ क्या होगा, चलते बात करते हैं कट ऑफ की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कट ऑफ की तरफ चलते हैं. जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है टोटल पेपर कितने का होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है. एंड मैं बता दूं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव. पहले भी आपने सारे इंफॉर्मेशन मैंने दे दिए हैं कि नो नेगेटिव मार्किंग होते हैं, जितना सही होगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा. ओके, लेकिन कट ऑफ क्या होगा, जनरल कट ऑफ क्या होगा, तो जनरल कट ऑफ आपको मैं बता दूं 75 मिनिमम 75 तो होंगे, मिनिमम 75 जनरल कट ऑफ होगा, इससे 77 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 75 से 77. ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ क्या होगा, ओबीसी का कट ऑफ क्या होगा, 68 to 70 ओबीसी का कट ऑफ होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं जाएगा ओबीसी कट ऑफ. अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, ये सारे कट ऑफ आपको क्लियर है तो आप बीपीएससी के लिए तैयार शुरू कर सकते हो एंड उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है एससी एसटी का कट ऑफ क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में इन दोनों के लिए कट ऑफ जो होता है काफी लो होता है, लेकिन इस एग्जाम में ज्यादा लो नहीं है, अराउंड 40% आपको आने चाहिए, 150 है तो 150 का 40% आपको मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए, मतलब कि आपको 55 प्लस हो बीपीएससी के लिए तैयारी कर सकते, 55 आपके आ जाते हैं
स्टेट एग्जामिनेशन में तो आप यूपीएससी के लिए तैयार शुरू कर सकते हो, अदरवाइज आप फिर से स्टेट का एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड जो दिसंबर में फॉर्म फिलअप होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि स्टेट जो होता है आपको साल में दो बार होता है स्टेट, तो आपको जस्ट क्या करना है कि आपको स्टेट के लिए प्रिपरेशन चालू कर देना। अगर आपको ये सारे कट ऑफ या कैटेगरी से बिलोंग कर दो, आपको ये सारे जो कट ऑफ है उससे तो आंसर भी आते हैं, तो आप इसे स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।